अब एक छोटा सा शेर सुन लो। वो आईना क्या जिसे कोई देखने वाला ना हो, वो आईना क्या जिसे कोई देखने वाला ना हो, और वो इंसान क्या जिसे मोदी के बारे में ज्ञान ना हो। आईने के सौ टुकड़े करके देखे हमने, मोदी तो एक में भी तन्नाते और 100 में भी अकेले। कुछ भी उसी आईने के सौ टुकड़े हमने भी करके देख लिए, एक में भी जुमला था 100 में भी जुमला ही थे। क्या बोला तूने? एक में भी जुमला था 100 में भी जुमले ही थे। दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ अंधभक्तों पर। दोस्तों मिलिए इस अंधभक्त से जिसका कहना है मोदी से अच्छा कोई नहीं, और इस अंधभक्त ने मोदी के लिए एक शायरी भी बोली है। लेकिन हमारे इस भाई ने इस अंधभक्त की शायरी का कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या जवाब दिया है इस भाई ने, बने रहें वीडियो में आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ही फेंकू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर गली में हर मोहल्ले में हर सड़क पर हर चौक पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। सही पकड़े हैं। की बार मोदी 400 पार, की बार सैकड़ा भी नहीं पार, बोला ढाई भी पार नहीं होगी है। लिख लो मैं बोला लिख लो, ठीक है। जमाने में दम नहीं जो मोदी को मिटा सके। अरे जमाना मोदी को मिटाने की, मोदी जमाने से नहीं। मस्त जोक मारा ये, हाथ से हल्का। अपनी चलती में जो ना चलावे वो मूर्ख, और जिसकी ना चलती और वो चलावे वो सबसे बड़ा मूर्ख। भैया जितनी नहीं चलती थी उतने सबको पूरे देश बेवकूफ बना के अपनी चला दी, सबसे बड़ा मूर्ख वो भैया। कांग्रेस की खुदाई कर लो और भ्रष्टाचार निकलेगा। गांधी परिवार की खुदाई कर लो, मुगल निकलेंगे। खुदाई करोगे भाई, संताल से क्या तेल लगा रहे हो क्या? परिवार की खुदाई कैसे करेंगे? अरे जमात तो ले लो आप। गांधी परिवार की खुदाई कैसे करोगे? परिवार की खुदाई थोड़ी होती है। बात तो सही है ना, बाबा दादा क्या देखें, आप मुसलमान से जोड़ दोगे? किसे है नेहरू जोड़ के देंगे? है बाबा पड़ बाबा है। ये क्या बात करता है यार, जोड़ कहाँ से देंगे? नेहरू के पिता क्यों जी? नेहरू के पिता जोड़ कहाँ से देंगे? नेहरू के पिता नहीं, राहुल के बता दो। राहुल के बाबा का नाम बताइए। पड़ बाबा का, राजीव गांधी बाबा का, अच्छा बाबा का दादा का। हाँ फिरोज गांधी का बता दे। पड़ बाबा का, पड़ बाबा का, जागीर खान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कहीं रहे, ये सब ढोंग है, ठीक है। इन्हें जो इनकी नस में भर दिया गया है वही है। मेरी बात समझो, मैं बहुत दूर तक की बता रहा हूँ, और इसी के चलते ये देश का बंटा ढार हो रहा है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा ऐसे व्यवस्था बना दी इसका कोई हिसाब ही नहीं भाई, हाल इन लोगों का है, ठीक है। ये एक तरफ कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और अंदर इनके दिमाग में फितरती कुछ और भरी होगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।